हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सॉरी मैं लास्ट टू वीक से कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था एंड उसका जो मेन रीज़न था वो ये है कि सेमेस्टर uh, टू मेरा स्टार्ट हो चुका है मेरे को बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स करने हैं असाइनमेंट्स करने हैं डिसर्टेशन की तैयारी करनी है और मेरे यूनिवर्सिटी में और भी वर्क कमिटमेंट्स हैं तो उन सभी uh, चीज़ों की वजह से मैं एक नई वीडियो बना नहीं पा रहा था बट आज मैं एक नई वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आने वाले दिनों में और भी वीडियोस लेकर आऊँगा आ, लेकिन जो आज की वीडियो का टॉपिक है ये मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स में एक डाउट पूछते हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी सर्विस के लिए अप्लाई करा है सुपर प्रायोरिटी सर्विस के लिए अप्लाई करा है आ, उनका डिसीजन पाँच दिन में आना चाहिए था एक दिन में आ जाना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं आ रहा पंद्रह पंद्रह दिन लग रहे हैं ठीक है तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किन किन सिचुएशन में आपको जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस नहीं लेनी चाहिए ठीक है अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हो या सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेते हो उन कंडीशंस को जानने के बाद भी तो बस आपके पैसे वेस्ट होंगे आपका डिसीजन टाइम पे नहीं आएगा ठीक है तो ये चीज़ मेरे को बतानी है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कोई भी जो लोग हैं जो यूके में आने वाले दिनों में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर मे इन टेक में जो बच्चे आएंगे सेप्टेंबर इन टेक में जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल इन्फॉर्मेशन है बिकॉज इससे आपके पैसे बच सकते हैं जो आप एनी वे वेस्ट कर दोगे ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि आ, जो सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस है ये है क्या आ, इसके कितने पैसे लगते हैं और किन सिचुएशन में आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले देखो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है यूके की ये ऑफिशियल पेज है अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं तो इस पर लिखा हुआ गेट अ फास्टर डिसीजन ऑन योर वीज़ा और सेटलमेंट एप्लीकेशन अब यहाँ पे थोड़ा हम स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट अ डिसीजन विद इन फ़ाइव वर्किंग डेज़ ठीक है तो अब जो यूके का जो वीज़ा एप्लीकेशन होता है उसका जो ऑफिशियल नॉर्मल टाइमलाइन होती है वो फिफ्टीन वर्किंग डेज़ होती है बट अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लोगे तो आपको फाइव वर्किंग डेज़ में डिसीजन मिल जाएगा आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे इन ऑर्डर टू गेट योर डिसीजन विद इन फाइव वर्किंग डेज़ आपको फाइव हंड्रेड पाउंडस एडिशनली पे करने पड़ेंगे सो so, इसकी फ़ी फाइव हंड्रेड पाउंड्स हैं इन एडिशन टू द एप्लीकेशन फ़ी तो जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी होता है उसके ऊपर फाइव हंड्रेड पाउंडस और लगेंगे एंड ये जो फ़ी आपको पे करनी होती है जब आप वी एफ एस ग्लोबल के ऑफिस में जाओगे वहाँ पर जाके आपको इसकी पेमेंट करनी होगी जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाओगे तो ये तो हो गया प्रायोरिटी सर्विस अब हम आते हैं सुपर प्रायोरिटी में सुपर प्रायोरिटी में क्या होता है कि आपको नेक्स्ट वर्किंग डे के एंड तक ही डिसीजन मिल जाता है अब फ़ॉर एक्ज़ाम्पल आपको यू के जाना है एंड आपको बहुत ही अर्जेंटली जाना है आप या तो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत लेट हो चुके हो आपकी यूनिवर्सिटी बस स्टार्ट होने वाली है या फिर आपकी कोई एमरजेंसी है जिसमें आपको एकदम ट्रैवल करना है तो उस केस में आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो इसकी कॉस्ट है एट हंड्रेड पाउंडस इन एडिशन टू दी एप्लीकेशन फ़ी तो जो ऊपर वाला प्रायोरिटी सर्विस वाली चीज़ें ये आपको फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड की पढ़नी चाहिए एंड जो सुपर प्रायोरिटी है वो वन लाख ,00 के अराउंड पड़नी चाहिए फॉर विज़िटर्स फॉर स्टूडेंट्स इट्स बी डिफरेंट बिकॉज जो विजिटर जो होते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट होती है एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट होती है और उनके ऊपर फाइव हंड्रेड पाउंड और एट हंड्रेड पाउंड्स के आपके चार्जेस रखते हैं ठीक है तो अब आप देखो तो एक तरह से आपका डिसीजन बहुत जल्दी आ सकता है कंपेयर टू फिफ्टीन वर्किंग डेज़ आप अगर सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेते हो तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे के एंड पर ही डिसीजन मिल सकता है हाओ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मेरे को पिछले महीनों में कि उन्होंने प्रायोरिटी सर्विस ली है सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली है उनका डिसीजन पाँच दिन हो गए नहीं आया एक हफ़्ता हो गया नहीं आया दो हफ्ते हो गए नहीं आया तो आपने पैसे भी ज़्यादा दिए आपने पचास हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली एक्स्ट्रा दिए और इस केस में सुपर प्रायोरिटी के केस में आपने एट्टी थाउजेंड रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली एक्स्ट्रा दिए फिर भी आपको डिसीजन टाइम पे नहीं आया और इनफैक्ट और ज़्यादा टाइम लग गया कंपेयर टू जो उन्होंने प्रॉमिस करा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है तो अगर हम वी एफ ग्लोबल की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशन बताई हुई हैं अगर आप पर कोई भी इनमें से कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस के लिए नहीं अप्लाई करना अगर आप करोगे तो आपका डिसीजन फिर भी टाइम पे नहीं आएगा एंड आपके पैसे वेस्ट होंगे और प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस का जो डिसीजन uh, टाइमलाइन होता है ज़्यादा पैसे देने से बस वो टाइम कम होता है कोई श्योरिटी नहीं होती कि अगर आपने पैसे ज़्यादा दिए तो आपके वीज़ा की गारंटी हो जाएगी तो अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि किन केसेस में आपको ये एक्स्ट्रा uh, चार्जेस नहीं देने जल्दी डिसीजन लेने के लिए तो ये वी ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन मे नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है तो जहाँ पे भी अगर आपकी एप्लीकेशन यू के वी आई बोलता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो उसका मतलब है कि इनमें से कोई एक पॉइंट आप पर अप्लाई होता है और अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप पे अप्लाई होता है तो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए पैसा मत दो तो वो क्या क्या पॉइंट्स है सबसे पहला पॉइंट है कि आपका कभी यू के का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको यूके में कभी एंट्री से रिफ्यूज़ल मिला है अगर आप यू में थे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया या फिर आपको बोला गया कि आपको यू uh, छोड़ना पड़ेगा अगर आपने यू में कभी अपना जो पीरियड ऑफ स्टे है उसको एक्सटेंड कर दिया इलीगली तो भी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी उसके बाद लीव टू रिमेन इन द यू के कर्टेड बाई द होम ऑफिस और नेक्स्ट पॉइंट रिफ्यूज़ लीव टू रिमेन इन द यू के बाय होम ऑफिसर तो ये दो पॉइंट्स भी अगर आप पे लगते हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मानी जाएगी ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यू में अप्लाई करते हैं जब उनका दूसरी कंट्रीज से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर यू से या फिर और कोई भी शैनगन कंट्री से आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो आप सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस के लिए अप्लाई मत करना क्योंकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मानी जाएगी अगर यू हैव बिन इंटरव्यू डिटेन और प्रोसिक्यूटेड बाय द पुलिस फॉर एनी ऑफेंस इन द यूके और एल्जवेयर इफ यू हैव अनस्पेंट क्रिमिनल कन्वेक्शन इन एनी कंट्री या फिर यू हैव कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री या फिर देर इज नीड टू चेक और गैदर फर्दर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कम्प्लीट योर वीजा एप्लीकेशन तो यहाँ तो उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करी और लास्ट में क्या है कि समझो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करी लेकिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करे जो कि आपको करने चाहिए थे तो उस केस में यू के बी आई आपको एक ईमेल लिखेगा कि ये ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको और चाहिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए अब समझो आपने सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली है जिसमें आपको नेक्स्ट डे के एंड तक वीज़ा डिसीजन चाहिए बट यू के के पास सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है चेक करने के लिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन तो ऑफ ऑफकोर्स वो पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे फिर उनको वेरीफाई करेंगे एंड फिर आपको वीज़ा इशू uh, करेंगे अब इस प्रोसेस में टाइम लगेगा दो दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है तो फिर इस केस में भी अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं करें तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मानी जाएगी एंड आपको टाइम पर डिसीजन नहीं मिलेगा तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेने से पहले कोई भी कंडीशन आप पे अप्लाई होती है तो प्लीज़ डोंट गो अहेड विद दिस सर्विस आपको जितना नॉर्मल सर्विस में टाइम लगता है उतना ही लगेगा बस आप पैसे एक्स्ट्रा दे दोगे तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा बट अगर आप पे इनमें से कोई भी पॉइंट अप्लाई नहीं होता है तो फिर आप uh, इन सर्विसेज़ को ले सकती हो और आपको आपका डिसीजन जल्दी भी मिल जाएगा तो ये तो हो गई आज की वीडियो की बात इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू द यू के एंड स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन द यू के और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और लिंकडिन uh, पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे हैंडल्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मिल जाएंगे उसके अलावा यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेम्बर ऑफ ड्रीम यू के जहाँ पर मैं सिर्फ मेम्बर्स के लिए लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ एक डिस्कॉट सर्वर बना रखा है स्पेसिफ़िक चैनल्स के साथ जहाँ पर हम अकोमोडेशन के ऊपर बातें करते हैं यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के बारे में बातें करते हैं या फिर और भी स्टूडेंट्स के कोई डाउट होते हैं उसमें वॉइस चैट्स या फिर वीडियो चैट्स वगैरह मेंबर्स uh, के साथ हम करते हैं तो अगर आपको ड्रीम यूके का मेंबर बनना है तो आप बन सकते हैं मेंबर्स के सारे जो बेनिफिट्स हैं उस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है उसका आप लिंक आपको अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर दिखेगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो आई होप ये आपको वीडियो जो थी वो हेल्पफुल लगी होगी एंड इससे आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी टेक केयर गुड बाय सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो